Now we are going to see how a store entrance can create shoppers' interest. Can how it can generate or create more interest of the customers. So we have good examples of it. Let me share it with you. So we have a example, example, it is the store entrance. You can see the gate, and ultimately it is creating an attraction for the customers, for the shoppers to see and then get attracted because there are celebrities who are on the wall.

जिस तरह के हम डिस्कशन कर रहे थे तो सबसे पहली बात जो इंटीरियर के अंदर स्पेशली जनरल इंटीरियर के अंदर डिस्कशन है दैट इज़ कौन सी फ्लोरिंग आपने यूज करनी है विच कलर यू विल यूज कौन सी लाइटिंग फॉर एग्जाम्पल यू आर यू आर गोइंग टू सी द द दॉर्म लाइट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द द वाइट लाइट द कोल्ड लाइट सो किस तरह की लाइटिंग uh, को जान करना चाहते हैं बीम लाइट यूज करना चाहते हैं आप इम्प्रेशन लाइट यूज करना चाहते हैं तो किस तरह की लाइटिंग आप यूज करना चाहते हैं अगेन साउंड इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसर्च कहती है कि जिस स्टोर के अंदर साउंड इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा अच्छा म्यूजिक होगा कस्टमर इंकरेज होगा ज्यादा बाई करने के लिए तो जनरल इंटीरियर जो कि इंप्रूव करता है आपके एटमोसफियर को उसमें साउंड हैज द्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रोंग इम्पैक्ट इसी तरीके से स्टोर का फिक्सर जो भी आप यूज कर रहे हैं वो स्टोर के रैक्स हैं वो तमाम फिक्सर्स वो बेशक वो डिस्प्ले के ऊपर पैलेट्स हैं वो बेशक वो केजिज हैं तो वो तमाम चीज़ें जो एज ए फिक्सचर स्टोर में यूज हो रही है, यूज़ हैं दे ऑफ कोर्स हैव एन इंपैक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर वॉल्स के ऊपर क्या टेक्सचर यूज़ करें इज आल्सो कंसीडरेबल और हेल्प करता है एटमॉस्फेयर को बेहतर करने में साइकोलॉजिकली पॉजिटिव इंपैक्ट करने में ऑन द कस्टमर स्टोर में किस टेम्परेचर को आपने मैंटेन करना है फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान वे यू हैव टू मेनटेन स्पेशली इन द समर सीजन दी एयर कंडीशनिंग अगर हम बात करेंगे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो यू हैव टू मेंटेन इन द विंटर सीजन स्पेशली द वॉर्म एलिमेंट सो आपको टेम्परेचर बैलेंस रखना है एटमोसफियर को ओवरऑल ये इम्प्रूव करेगा और कस्टमर को हेल्प करेगा बाय करने के लिए फिर आयल के अंदर कितनी स्पेस आपने रखनी है क्योंकि अगर उसके अंदर जो स्टॉक का डिस्प्ले इस थ्रू द लिफ्टर तो ऑफकोर्स उसमें स्पेस इतनी होनी चाहिए कि लिफ्टर कैन ईजिली ऑपरेट और अगर उसके अंदर स्टॉक की स्टैकिंग इज बाय दर्सन तो ऑफकोर्स अकॉर्डिंगली आपको आइल स्पेस रखनी है जो भी आइल स्पेस आप रखेंगे वो इंटीरियर को डिपेक्ट करेगी और इंटीरियर ओवरऑल एटमॉस्फेयर के ऊपर इम्पैक्ट करेगा फिर ड्रेसिंग आ, की फैसिलिटीज़ हैं स्टोर के अंदर एलिवेटर्स हैं एस्केलेटर्स हैं स्टेयर्स हैं स्टोर के अंदर कुछ डेड एरियाज यू हैव टू कीप क्या स्टोर के अंदर पर्सनैल्स की अवेलेबिलिटी है क्या स्टोर के अंदर मर्चेंडाइज प्रॉपरली अवेलेबल है प्राइस लेवल्स आर प्रॉपरली मेनटेनड क्या जो डिस्प्लेज हैं ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द सैंपल्स आर वेरी मच देयर कस्टमर को इजीली वो एक्सेसिबल हैं कस्टमर को आ, को वो इजीली कन्विंस करने के लिए काफ़ी हैं क्या आपने टेक्नोलॉजी यूज़ की है फॉर एग्जांपल कस्टमर वांट टू चेक द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सो क्या वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम है कि कस्टमर कैन चेक द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एट इज ओन और विद द हेल्प ऑफ सम और स्टोर की क्लिनरनेस इज़ वन ऑफ़ द की फैक्टर्स बेशक वो फ्लोर की क्लिनिंग है वो वाशरूम की क्लिनिंग है वो चेंजिंग रूम की क्लिनिंग है किसी भी हवाले से स्टोर की क्लैनिनेस का बहुत इम्पैक्ट है ओवरऑल उसके इंटीरियर के ऊपर और अल्टीमेटली स्टोर के एटमॉस्फेयर के ऊपर तो ये वो तमाम की कॉम्पोनेंट्स हैं जो जनरल इंटीरियर के अंदर आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लोरिंग गोज़ अप टू द स्टोर ओवरऑल क्लिनिनेस जो कि इम्पैक्ट करेगी आपके रिटेल स्टोर के इमेज के ऊपर मैं अगर आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करता हूं तो ये टॉयज की टॉयजाम्पल हमारे पास है जो कि एक आई कैचिंग डिस्प्ले आपको नजर आ रहा है इट इज वेरी यू नो अट्रैक्टिव जो रैक्स यूज हुए हैं जनरल इंटीरियर यूज हुआ है ये वो है जो कस्टमर को इंकरेज कर रहा है कि कस्टमर आए बाय करे सिक्योरिटी को इंटैक्ट किया गया फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि बैटरी सेल्स को रखने के लिए देर इज अ डिफरेंट रैक्स अवेलेबल अगर आप बात करते हैं कि इधर प्रोडक्ट्स uh, को रखने के लिए दे आर डिफरेंट ड्रैक्स अवेलेबल देर डिफरेंट सॉकेट्स अवेलेबल अगर हम बात करेंगे मोबाइल्स के लिए तो आर डिफरेंट टाइप ऑफ जनरल इंटीरियर इज़ बीन यूज ये ऑब्जेक्टिव है किसी भी जनरल इंटीरियर का कि आपका एटमोसफियर को वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे ताकि आपका कस्टमर जो है वो मुतमिन हो और आपसे बाय करे और फ्यूचर में इट विल रिमेन योर लॉयल कस्टमर